Assalamu alaikum students, in this video I am going to solve the exercise of unit 3 transport systems in the world. Students, we have done its reading and translation in the previous video. Let's start its exercise now. Page 38. Find the words in the article for each of the following meanings. Hamare paas kuch statements hain जो कि हमने बतानी है कि ये क्या शो कर रही हैं, इनका क्या मीनिंग है. नंबर वन, समथिंग दैट हैज़ टू लेवल्स सो द पैसेंजर्स कैन सिट अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स. ऐसी चीज़ जिसकी दो सतहें हों ताकि मुसाफिर ऊपर या नीचे बैठ सकें. द आंसर इज़ डबल डेकर. बी, समथिंग दैट टेक्स पैसेंजर्स एंड व्हीकल्स अक्रॉस वाटर. ऐसी चीज़ जो मुसाफिरों और गाड़ियों को पानी के पार ले जाती है. तो स्टूडेंट्स, क्या ऐसी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है ट्रांसपोर्ट में? आंसर इज शिप एंड बोट. सी, समथिंग विच इज़ हाई स्पीड एंड मूव्स अक्रॉस जापान. जी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तेज़ रफ्तार है और जापान में मूव करती है? आंसर इज बुलेट ट्रेन. डी, समथिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू व्हील्स हेल्ड इन अ फ्रेम विद वन बिहाइंड द अदर. जी, दो पहियों पर मुश्तमिल कोई चीज़ जिसमें फ्रेम एक दूसरे के पीछे होता है. आंसर इज बाइसिकल. ई, अ स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ओवर वाटर प्रोपेल्ड बाय सेल्स और एन इंजन. पानी के ऊपर सफ़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है और इस इंजन से चलती है, दैट इज़ कॉल्ड बोट. एफ, अ स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर समथिंग एज वाटर अ लो प्लेस और अ रेल रोड सो पीपल कैन क्रॉस. एक ऐसा ढांचा जो किसी चीज़ पर बनाया गया हो, जैसे पानी एक नीचे की जगह है या रेल रोड, ताकि लोग जो हैं उसके ऊपर से गुजर सकें. दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज. एच, अ मेन रोड स्पेशली वन कनेक्टिंग मेजर टाउन्स और सिटीज़. एक ऐसी मेन सड़क ख़ास तौर पर जो बड़े शहरों और टाउन्स को जोड़ती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूट और हाईवे. नाउ मूव ऑन पेज 39. Activity 2. The article carries a number of words that have silent letters. The meanings of these words are written in the table below. Find the word, pronounce it and write it in the correct column. जी, इस article में कुछ words ऐसे हैं जिन words में silent letters आते हैं. Silent letters क्या होते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ. अब हमने क्या करना है कि इन वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो लिखने हैं और इसकी उन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है और इस कॉलम में लिखना है. साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर्स आर लेटर्स दैट यू कैन नॉट हियर व्हेन यू से द वर्ड बट दैट आर देयर व्हेन यू राइट द वर्ड. साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं, किसी वर्ड के अंदर साइलेंट लेटर कोई ऐसा लेटर होता है जिसकी साउंड तो प्रोड्यूस नहीं होती. जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड को, उस लेटर की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन लिखने में हम उस लेटर को लिखते हैं, यानी कि उस लेटर की साउंड जो है वो साइलेंट होती है. अब हम मीनिंग्स पढ़ते हैं और सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है और उसमें कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है. अट्रैक्ट द स्ट्रॉन्ग अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ समवन. जी, किसी की अटेंशन को, तवज्जो को और दिलचस्पी को अपनी तरफ जब मुतवज्जो जो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिसन. ठीक है, मुतवज्जो करने के लिए अपनी तरफ जो वर्ड है वो है लिसन. लिसन में देखें, एल ल ई स ए हम. इसमें देखें, मैंने टी की जो ट साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं क्यों की,
क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में वाइल प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड वी डोंट प्रोनाउंस द लेटर वी डोंट प्रोनाउंस द साउंड ऑफ लेटर टी सो हियर टी इज साइलेंट. नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर समथिंग एज वाटर अ लो प्लेस और अ रेल रोड सो पीपल कैन क्रॉस. ये पहले भी हम पीछे कर चुके हैं तो क्या कहते हैं इसको ब्रिज. हियर डी ड इज साइलेंट ब र ई ज ब्रिज. ओके समथिंग विच इज रियली सर्टन कुछ ऐसा जो वाकई यकीनी है दैट इज अनडाउटफुल. हियर ब साउंड इज साइलेंट वाइल प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड बट रिटन इट इज प्रेजेंट. नेक्स्ट इज एन ऑडिबल सिंगलिंग सिग्नलिंग डिवाइस और वार्निंग डिवाइस यूज्ड ऑन अ स्टीम लोकोमोटिव विच इज यूज्ड टू वार्न दैट द ट्रेन इज अप्रोचिंग एंड टू कम्युनिकेट विद रेल वर्कर्स. जी ऐसा सिग्नल सिग्नलिंग डिवाइस या आला जो भाप के इंजन पर इस्तेमाल किया जाता है और जिसका इस्तेमाल ये बताता है कि ट्रेन कब आ रही है. दिस इज कॉल्ड विसल. हियर व ई ल विसल टा साउंड इज साइलेंट. हियर समथिंग दैट इंडिकेट्स द प्रॉब्लम प्रेजेंस और अकरेंस ऑफ समथिंग एल्स कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ की मुमकिना मौजूदगी की निशानदेही करती हो. दैट इज़ कॉल्ड साइन. हियर ग साउंड इज साइलेंट. हमने साइन में देखिए ग साउंड प्रोड्यूस नहीं की. नाउ कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन. आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन डिटेल. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग देना क्यों ज़रूरी है. आंसर इज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट्स एंड इज़ अ साइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. इट हेल्प्स रिड्यूस कंजेशंस एंड प्रोवाइड्स अ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन. जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग देना ज़रूरी है क्योंकि ये तवानाई की बचत है कार्बन के असरात को कम करती है और पायदारी की अलामत है. ये रश को कम करने में हमारी मदद करता है और एक मौसर नकलो हमल के लिए हमारे लिए सहूलियात फ्राहम करता है. क्वेश्चन बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मिलियन पीपल ट्रैवल ऑन हांगकॉन्ग्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवरी डे. तकरीबन कितने मिलियन लोग हांगकॉन्ग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोज़ाना सफ़र करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने रीडिंग में भी पढ़ा था कि तकरीबन 12.6 मिलियन लोग जो है रोज़ाना हांगकॉन्ग की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं. आंसर अप्रॉक्सीमेटली 12.6 मिलियन पीपल ट्रैवल ऑन हांगकॉन्ग्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवरी डे. सी व्हाट इज़ मीन बाय एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट. Environment friendly transport refers to modes of transportation that minimize pollution and reduce the negative impact on the environment. It aims to reduce the carbon footprints associated with transportation. जी माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट क्या है. माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट से मुराद नकलो हमल के ऐसे तरीके हैं जो आलूदगी को कम करते हैं और माहौल पर मनफी असरात को भी कम करते हैं. इसका मकसद नकलो हमल से वाबस्ता कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है. डी व्हाट इज़ द जापानीज नेम फॉर जापान्स बुलेट ट्रेन. आंसर जापानीज नेम फॉर जापान्स बुलेट ट्रेन इज़ शिंकानसन. ई व्हाई आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ साइकिल्स. आंसर मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ साइकिल्स बिकॉज साइकिलिंग इज कंसिडर्ड एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत से यूरोपीय ममालिक साइकिल के इस्तेमाल को फ़रोग क्यों देते हैं
बहुत से यूरोपीय ममालिक साइकिल के इस्तेमाल को फ़रोग इसलिए देते हैं क्योंकि साइकिलिंग को ट्रांसपोर्ट का एक माहौल दोस्त तरीका समझा जाता है, क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है वो माहौल में नहीं फैलती, एयर पोल्यूशन। व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू डेवलप मोर रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट इन डिटेल। पाकिस्तान के लिए तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट के मंसूबे को तैयार करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग देना क्यों ज़रूरी है, तफसील से बयान करें। आंसर इज़ डिवेलपिंग मोर रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान इज़ क्रूशल फॉर एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, इन्हेंसिंग मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ and achieving sustainable development goals, it can create job opportunities. पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार ट्रांजिट मंसूबों की तरक्की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग देना शहरियों के चैलेंजेस को निमटने के लिए, हवा के मैयार को बेहतर बनाने के लिए, नकलो हरकत और रसाई को बढ़ाने के लिए, इक्तसादी तरक्की को बढ़ाने और पायदारी तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए बहुत आम है। इससे रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। जी, व्हाट इज़ मेंट बाय बम बोट्स? बम बोट्स आर स्मॉल ट्रेडिशनल बोट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन अलोंग रिवर्स और वाटर फ्रंट एरियाज। ईच बम बोट कैन कैरी एज मैनी एज 60 पैसेंजर्स एंड इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बम बोट से क्या मुराद है? बम बोट छोटी रवायती कश्तियाँ हैं जो दरियाओं और वाटर फ्रंट के इलाकों में नकलो हमल के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह इस जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और हम हर बम बोट में ज़्यादा से ज़्यादा 60 मुसाफरों को ले जाया जा सकता है और ये सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। 8, सिंगापुर हैज़ इट्स स्पेशल रिवर ट्रांसपोर्ट, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ रिवर बोट? आंसर, ट्रैवलिंग इन अ बम बोट इन सिंगापुर ऑफर्स द चांस to experience modern Singapore from the back to the boat. जी, सिंगापुर जो है वो खसूसी दरिया की नकल व हमल में जो है वो जाना जाता है, स्पेशल है। दरिया की कश्ती में सफ़र करने के क्या फ़ायदे हैं? जवाब है, सिंगापुर में जो बम बोट में सफ़र करने से जो कश्ती के पिछले हिस्से से जो जदीद सिंगापुर का हिस्सा है, जदीद जो सिंगापुर है उसका तजिया करने का जो है वो मौका मिलता है। ना पार डी हमारा मिस हो गया था। डी, व्हाट इज़ द जापानीज नेम फॉर जापान्स बुलेट ट्रेन? आंसर, द जापानीज नेम फॉर जापान्स बुलेट ट्रेन इज़ शिंकेंसन। पार्ट ई, व्हाई आर मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ साइकिल्स? आंसर, Many European countries are promoting the use of cycles because cycling is considered an environmentally friendly mode of transport. Now move on page 40. Use of language में हम prepositions को discuss करेंगे। What is preposition? Preposition एक ऐसा word है which shows a relationship in space or time or a logical relationship between two और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। प्रपोजिशंस आर मोस्ट कॉमनली फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन। जी, प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप कायम करते हैं किसी जगह, वक्त या दो से ज़्यादा लोगों और जगहों और चीज़ों के दरमियान। ठीक है, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि नाउन का रिलेशनशिप शो करते हैं, नाउन की पोजीशन शो करते हैं। प्रपोजिशंस को आप अगर अलग करें तो प्री पोजीशंस बताते हैं। प्री पोजीशन किसकी? नाउन की, कि नाउन जो है हमारा वो किस पोजीशन पे है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, आगे है, अंदर है या बाहर है। और नाउन में देखें पीपल भी आ सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं और थिंग्स नेम भी हो सकते हैं। और लास्ट लाइन में देखें कि प्रपोजिशंस जो हैं वो आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन
से पहले आती हैं, यूज़ होती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करती हैं, प्लेस बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोपेनहेगन इज़ बिल्डिंग मोर ग्रीन रूट्स एंड ब्रिजेस डैश द सिटी। अब इसमें देखिए नाउन, बहुत सारे नाउन्स जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कोपेनहेगन है, बिल्डिंग है, ग्रीन इज़ ऑल्सो नाउन, रूट इज़ अ नाउन ऑफ प्लेस, ब्रिजेस भी नाउन है और द सिटी भी नाउन है। अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कोपेनहेगन शहर में मज़ीद सब रास्ते और पुल बना रहा है शहर में। अब देखिए नाउन इसमें कोपेनहेगन, ग्रीन रूट एंड ब्रिजेस, तो ये जो ग्रीन रूट और ब्रिजेस हैं ये नाउन है और द सिटी भी नाउन है। अब इनका रिलेशनशिप कैसे है कि वो ग्रीन रूट्स और ब्रिजेस बना रहा है कहाँ, शहर में। ये ग्रीन रूट्स और ब्रिजेस का द सिटी के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए जो प्रपोजिशन यूज़ हुई है वो है थ्रू, यानी कि शहर में। यहाँ पे थ्रू का मतलब है मैं। अब देखें द सिटी, एक सिटी जो है वो बहुत बड़ी प्लेस है और उसके अंदर चूँकि ये चीज़ें बन रही हैं तो किसी चीज़ में से जब कोई चीज़ बनती है ये गुज़रती है तो उसके लिए हम थ्रू की प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। नाउ एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रपोजिशंस, सर्कल द प्रपोजिशन एंड अंडरलाइन द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज। कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्रपोजिशन को सर्कल करना है। हमने दो चीज़ें देखनी हैं, ठीक है, किसको, नाउन को और प्रपोजिशन को जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, उस नाउन की पोजीशन बता रही है, ठीक है। प्रपोजिशन को जो है वो हमने सर्कल करना है और जिस नाउन की वो प्लेस बता रही है, रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है जिस नाउन के साथ, उसको हमने करना है अंडरलाइन। ए, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टेक पब्लिक ट्रांजिट एवरी डे विच रिड्यूसेस ईच पर्सन्स कार्बन फुटप्रिंट्स। कि दुनिया में बहुत सारे लोग रोज़ाना जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे हर शख्स के कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो कम होते हैं। इसमें देखिए मिलियंस ऑफ पीपल भी नाउन है, द वर्ल्ड भी नाउन है, पब्लिक ट्रांजिट भी नाउन है, ठीक है, पर्सन भी नाउन है, फुटप्रिंट्स भी, कार्बन फुटप्रिंट्स भी नाउन है। लेकिन इन सब नाउन्स में से जिसके साथ प्रपोजिशन यूज़ हो रही है वो नाउन है द वर्ल्ड, और उससे पहले जो प्रपोजिशन यूज़ हो रही है वो है अराउंड। अराउंड को आप सर्कल करेंगे और द वर्ल्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। अराउंड हमारी प्रपोजिशन है और द वर्ल्ड वो वाला नाउन है जिसकी पोजिशन जो है वो बताई जा रही है। अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में या दुनिया से। बी, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसमें आप देखें कि अराउंड जो है वो प्रपोजिशन है और जिसके साथ लिंक वो क्रिएट कर रही है वो है द वर्ल्ड। सी, अराउंड 12.6 मिलियन पैसेंजर जर्नीज मेड आर मेड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेली। इसमें अराउंड जो है वो हमारी प्रपोजिशन है और 12.6 मिलियन पैसेंजर जो है वो हमारे पास नाउन है और इसको हम अंडरलाइन करेंगे। दी डबल डेकर बसेज आर रिवर फेरीज एंड अलाउज राइडर्स टू यूज 3G इंटरनेट इन ऑल टनल्स। इसमें टू हमारे पास प्रपोजिशन है जिसको हम सर्कल करेंगे और 3G इंटरनेट जो है, सॉरी 3G इंटरनेट को आप जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे गलत अंडरलाइन हुआ है। या यूज़ 3G इंटरनेट भी ठीक है। यू कैन हियर द वर्ड लाइक रिवर फेरीज, रिवर टैक्सी वेरी कॉमनली इन दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इन जो है वो हमारे पास प्रपोजिशन है, इसको आप सर्कल करेंगे और दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारा नाउन है, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एफ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज इन यूरोप। हमारे पास इस सेंटेंस में प्रपोजिशन है इन और वो किसके साथ लिंक क्रिएट कर रही है, इनके आगे देखिए नाउन कौन सा है, मैनी कंट्रीज। जी, डेनमार्क हैज़ 400 किलोमीटर्स ऑफ कन्वीनियंट एंड वेल मेंटेन्ड बाइसिकल पाथ्स। इस फुल सेंटेंस में जो प्रपोजिशन यूज़ हो रही है वो ऑफ है और कन्वीनियंट एंड वेल मेंटेन्ड जो है वो नेक्स्ट, बाइसिकल पाथ्स भी इसके साथ ही आएगा, ये हमारे पास नाउन में आ जाएगा।
क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा था कि नाउन फ्रेज और प्रोनाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन, ये नाउन फ्रेज है हमारे पास सारा, इसलिए ये सारा अंडरलाइन होगा, मैंने हाफ किया हुआ है, बाकी भी आप खुद करेंगे. एच, फ्रॉम द विसल्स ऑफ अ स्टीम इंजन टू टूडेज मॉडर्न एंड फास्टेस्ट ट्रेन्स, जापान अनडाउटली इज होम टू एन एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम. इस लाइन में हमारी जो प्रपोजिशन है वो टू है, और एन एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम जो है वो हमारे पास नाउन फ्रेज है. नेक्स्ट इज, देर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सिंगल वर्ड प्रपोजिशंस, राइट 10 सेंटेंसेज यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस. हमारे पास देखें बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं, एट, अबव, इनटू, फॉर, डाउन, ड्यूरिंग, अबव, ऑन, नियर, टुवर्ड्स, आउट, विद, टू, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अक्रॉस, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, बिसाइड, बिलो, बीनीथ, आउटसाइड, बिहाइंड, अमंग, अराउंड, ऑफ. सब प्रपोजिशंस के को डिटेल से पढ़ने के लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी. यहाँ पे हमने क्या करना है कि इनमें से कोई सी भी 10 प्रपोजिशंस को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं. तो मैंने सेंटेंसेस एग्जांपल के लिए बनाए हैं, लेकिन आप चेंज बनाएंगे अपनी बुक पे, सबके चेंज सेंटेंसेस होंगे और ख़ुद बनाएंगे. जी, नंबर वन, डाउन, ही लुक डाउन इन टू द पॉन्ड. नंबर टू, अक्रॉस द, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर एंड क्रॉस्ड इट. बिसाइड, द कैट इज लुकिंग, सॉरी यहाँ पे होगा द कैट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, इसको सिटिंग कर लें. नंबर फोर, बिहाइंड, द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द वॉल. नंबर फाइव, अबव, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव अस. ड्यूरिंग, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट. बिलो, द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन. बीनीथ, वी सैट बीनीथ अ लार्ज ट्री. अगेंस्ट, वी शुड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. लास्ट वन इज अराउंड, वी वॉकड अराउंड द ओल्ड टाउन. अवर नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग पार्ट. स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द राइटिंग पार्ट. तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफिज़.